लखनऊ से लाइव मौजूद हैं हमारे साथ। विवेक, 2022 के चुनाव से पहले ये बड़ा मंथन भी कह सकते हैं, क्योंकि किसान एक तरफ तो बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं, तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है, लेकिन अब किसानों की आय को दोगुना करने पर सरकार का फोकस होगा और आज बैठक के जरिए मंथन भी होगा। बिल्कुल जया, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। आपको बता दें कि फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरेली से इसका विजन रखा था, आय दोगुनी करने का विजन रखा था, और इसके लिए 6 साल की समय सीमा तय की गई थी, यानी 2022-2023 को रोड मैप क्या होगा किसानों की आय दोगुनी करने का, इस पर चर्चा हुई थी और एक पूरा प्लान बना था। उसमें फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर और पशुधन में वृद्धि करने पर, जो अधिक मूल्य है किसानों को, उनको कैसे अधिक मूल्य मिले अपनी खेती का, अपनी फसल का, अपनी उपज का, बेहतर कीमत फसल की कैसे मिले, और कृषि जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, उनकी आय में बढ़ोतरी कैसे हो, ये सब बहुत सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। अर्थव्यवस्था, चूँकि कृषि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अर्थव्यवस्था का, और देश के जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले नौकरी पेशा लोग हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 40% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसमें तय होगा कि आगे का रोड मैप 2022-23 में कैसा होगा, और ये चुनाव को लेकर भी और जो किसान आंदोलन है उसको लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, चूँकि कल ही से किसानों की महापंचायत मुजफ्फरनगर में शुरू हुई है, उसको लेकर वहाँ लोग इकट्ठा हैं, सैकड़ों किसान पूरे न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि अन्य प्रदेशों से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तराखंड से आए हैं, तो किसानों का आंदोलन इसी बात का है, विरोध इसी बात का है कि उनकी उपज जो है वो सीमित है, उनके पास संसाधन सीमित है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाना है। किसान चूंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको जोड़ेंगे तो चुनाव में आगे जीत हासिल होगी, आगे का रोड मैप, चुनाव का जो रास्ता है इसी बैठक से खुलेगा। इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। जो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है, इसके अलावा कृषि एवं किसान मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो बैठक में चर्चा करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं हैं किसानों को लेकर चल रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो योजनाएं शुरू की हैं, किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री की योजना है, उसका उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, बहुत किसान सम्मान निधि के मामले में अगर देखा जाए तो नंबर वन पर है, इतनी निधि बांटी गई है जितनी अन्य प्रदेशों में नहीं बांटी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता है, जो किसानों की फसल जल जाती है उसको लेकर मुआवजा है, जो किसान दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं उनके लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा कल्याण योजना है, कृषक उपहार योजना है, ई मंडियां हैं, इतनी सारी सुविधाएं शुरू की गई हैं कि उसको लेकर भी चर्चा होगी कि ये योजनाएं अन्य प्रदेशों में जहां जहां पर किसान बहुल्य प्रदेश हैं, जहां कृषि पर आधारित है अर्थव्यवस्था, जिन प्रदेशों में ज़्यादा खेती होती है वहां पर ये लागू की जाएंगी, और आंदोलन को लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है कि वहां जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसमें से कौन कौन सी चीजें यहां पर उत्तर प्रदेश में जो किसान नाराज हैं उनके लिए की जा सकती है, ये सब इस बैठक योजनाएं चल रही है। लेकिन आज ये जो बैठक होने वाली है ये काफी अहम है, क्योंकि किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर इसमें मंथन होगा, और इस मंथन से क्या निकलने वाला है ये भी देखने वाली बात होगी।